मामला ही कुछ और होता है, उस शाख का मामला ही कुछ और होता है। जब मुहर्रम आ जाता है तो उनका यार उनका दम ताजा हो जाता है। क्या वजह है? सदियां गुजर गई, जमाने गुजर गए, कोई कम अरसा नहीं 1300 साल का, कोई मामूली अरसा नहीं 1300 साल का अरसा। हम यहां मरे हुए औलाद को मां बाप को 13 बरस के बाद भूल जाते हैं कि 1300 साल बाद का पहले गवाह गया न भुलाए भूलता है, न घटाए घटता है, न छुपाए छुपता है। अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली की शान पाक कमाल रखी। सरकार पाक ने जिंदगी में इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वो अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या ऐ ताली कबूली होने वाले नबी, यह आयत हदीस कसा की तरफ इशारा करती है कि सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर जब सरकार पाक तशरीफ ले गए और शहजादे निकले तो अपनी चादर में उनको लिया, हजरत अली आए तो अपनी चादर में उनको लिया, सय्यदा फातिमा तशरीफ लाई तो उनको अपनी चादर में लिया। अल्लाह को अपने नबी की ये चादर वाली अदा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने कुरान में उसकी कसम खा ली, या युगल मुज़म्मिल, ऐ काली कमली होने वाले पैगंबर, ऐ चादर होने वाले नबी, ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आ गई। सरकार के जमाने नबूवत का इरशाद फरमाया, जाहिर तौर पर तशरीफ फरमा जाते, इरशाद फरमाया कि हुसैन बिन्नी बदना मिन हुसैन। अगर इस इरशाद मुबारक की शामिलियत को पहुंचना चाहते हैं कोई, तो पहले सरकार के इस इरशाद मुबारक के दो हिस्से करने होंगे, हुसैन बिन्नी एक हिस्सा, वना मिन हुसैन दूसरा हिस्सा। अब इस इरशाद मुबारक की शामिलियत इन दो हिस्सों को समझना है तो पहले हिस्से को समझना जरूरी है। हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस इरशाद का माना क्या है कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन मुझसे है। अगर कोई वाली या दादा या नाना अपने नाता नवासी या पोतों से मोहब्बत करेगा तो ये जरूर कहेगा मेरा बच्चा है, ये मुझसे है, मेरा नाता नवासा, मेरा लाड़ा, मेरा बेटा, मेरी बेटी का बेटा, मेरे बेटे का नाम से कहेगा कि मेरा बच्चा है, मेरा नवासा है। सरकार ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, ये नहीं फरमाया मेरी बेटी से है, फरमाया मुझसे है। तवज्जो है सरकार की बातें मुबारका पूरी कायनात में बिला तफसील अंबिया भी सरकार के बराबर नहीं, सरकार की जात मुबारका सबसे जुदा, सबसे अफजल, सबसे आला। सरकार ये फरमाते कि हुसैन मिन्नी, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि हुसैन मुझसे है, यही सरकार से हुसैन। ये क्यों फरमाया वो अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं, ये क्या मामला है? तो अजीजों, हुजूर
उनकी जिंदगी में जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को सुना दिया था कि मैं वो कर्बला की तपती रेत होगी, यही तुम्हारा नवासा, यही तुम्हारा बेटा, यही तुम्हारा हुसैन होगा और यही तुम्हारी उम्मत होगी। तीन दिन प्यास से तड़पाएगी, तीन दिन भूख से तड़पाएगी, हुसैन को मजबूर कर देगी अपने बच्चों की लाश उठाने पर, हुसैन को मजबूर कर देगी भूखा रहने पर, प्यासा रहने पर, और बेदर्दी के साथ इस नफासे का कत्ल करेगी, शहीद करेगी। सरकार को बता दिया गया था, वो वाकया आप बड़े मशहूर है, सरकार ने उम्मे सलमा को मिट्टी दी, कहा इसको संभाल के रखना, जब भी खून निकल जाए समझ जाना कि हुसैन शहीद हो गया, मैं तो नहीं रहूंगा। फिर सरकार इमाम हुसैन को जब भी प्यास महसूस होती तो इमाम हुसैन को अपने आगोश में लेते और अपनी जुबान नबूवत निकालते और इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते और इमाम हुसैन उस नबूवत वाली जुबान को चूस लेते, उस नबूवत वाली जुबान को चूस लेते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर फरमाइएगा, चील का बेटा चील बनता है, मुर्गी नहीं बनता, कबूतर का बेटा कबूतर बनता है, कौवा नहीं बनता। वजह क्या है? परवरिश का अंदाज एक, बनाने का अंदाज एक, लेकिन तरीके अलग हो जाने की वजह से चील का बेटा कौवा नहीं बनता, कौवे का बेटा कबूतर नहीं बनता। यही मामला है, जब परिंदा अपने बच्चों को मिला मिलाता है तो बच्चे चोंच खोलते हैं और माँ अपने चोंच के जरिए बच्चों के मुंह में अपनी जबान भी डालती है, अपना लुहान भी डालती है और वो दाना भी डालती है जो वो अंदर मुंह में पकड़ के लाती है, अपने बच्चों को खिलाती है। तो सरकार ने ये जानिया दिया कि लोगों, हुसैन को मैंने जबान इसलिए चुसवाई है ताकि मेरी उम्मत ये जान जाए कि मेरा हुसैन वो इमाम है जिसकी इमामत नबूवत का लुआब चूस चूस के बनी है, नबूवत का लुआब चूस के जिसकी इमामत तैयार हो रही है उसको हुसैन मिला नहीं था। सरकार ने बता दिया वो हुसैन मिला नहीं है। फिर सरकार अपने कांधे पर सवार होते, तभी सरकार अपने दोनों हाथ जमीन पर रखते, घुटने जमीन पर रखते। आजकल जिस तरह हम अपने बच्चों को मोहब्बत और लाम में घोड़ा बन के बच्चों को सवारी करवाते हैं, सरकार पाक अपने हुसैन को पीठ पर बिठा लेते और अपनी दो जुल्फों की लटें इमाम हुसैन के हाथ में दे देते। इमाम हुसैन इस तरह बैठ जाते जैसे घोड़े पे बैठे और सरकार बड़ी शर्मनाक फरमाते थे, हुसैन मुझसे है, इस बात को ख्याल में रखते हुए सारी बातें सुनिएगा, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। तो फिर इस तरह हुजूर ने अपना लुआबे नबूवत चुसा चुसा कर इमाम हुसैन को परवान चढ़ाया। जब कर्बला का वक्त आया, सरकार तो नहीं थे, जाहिर तौर पर फरमा फरमा चुके थे, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर तौर पर आपका निशान हो चुका था, इमाम हुसैन कर्बला में थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही गौर से इस बात को सुनिएगा, अभी मैं हुसैन गिननी पे हूँ, वह अना मिनल हुसैन बाद में पढ़ूंगा, हुसैन गिननी, हुसैन मुझसे है। सरकार एक मरतबा पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, साथ में दोनों शहजादे छोटे इमाम हसन इमाम हुसैन, हुसैन गिननी, अभी मैं हुसैन गिननी पे ही हूँ। सरकार पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, नीचे की जाने बहुत ही बड़े नजूमी और काफिर नीचे से उनको देख रहे थे, वो इल्म नुजूम के लिए वहां जमा थे कि कुछ इल्म का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन उनकी नजर सितारों के बजाय सरकार के ये दो सितारों पे पड़ गई। जब पहाड़ से उतर रहे थे सरकार दोनों को लेकर, अभी उनका चेहरा सरकार की तरफ नहीं गया, दोनों शहजादों को देख के रह गए। जब नीचे उतरे दोनों शहजादे तो ये दोनों उनके कदमों को लिपट गए, दोनों के कदमों को लिपट कर वो नजूमी इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये कहते हुए इस्लाम कबूल करते हैं कि जब ये शहजादे नीचे उतर रहे थे ऐसा लगा एक तरफ से सूरज नीचे उतर रहा है, दूसरी तरफ से चांद नीचे उतर रहा है।
हमने मंजर पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने कहा, जब उनका चेहरा सरकार की तरफ पड़ा तो उन्होंने कहा, अरे नवासे ऐसे हैं, बेटे ऐसे हैं, तो बाबा जान का आलम क्या होगा, नाना जान का आलम क्या होगा। परेशान होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हुसैन उन्हें नहीं, हुसैन मुझसे है। फिर इस तरह नबूवत ने इमामत को परवान चढ़ाया। फिर कर्बला का वक्त आया, इमाम हुसैन ने, हजरत अब्बास ने, हजरत अली अकबर ने, हजरत अली असगर ने एक बार दीगर शहादतों को पेश किया, अपनी गर्दनों को पेश किया। अब जरा गौर से सुनना कि मदीने में सरकार की जो कुछ शफकतें थी, मदीने में सरकार की जो शफकतें इमाम हुसैन के साथ थी, वो हुसैनों में नहीं था, वो हुसैनों में नहीं था। और कर्बला में जो इमाम हुसैन ने किया, वो अना मिनल हुसैन था। हुसैन की विलादत से लेकर कर्बला तक इस्लाम हुसैनों मिन्नी पे टिका हुआ था, और कर्बला से लेकर कयामत तक इस्लाम वह अना मिनल हुसैन पे टिका हुआ है। वह अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इसीलिए गरीब नवाज ने कहा, अब